सो हेलो पीपल, कैसे आप सब? आई होप आप सब और अच्छे होंगे. मैं भी एकदम ठीक हूँ. दिस इज एन ऑनेस्ट टॉक विद ऑल द ब्यूटिफुल गर्ल्स आउट देयर हु इज वॉचिंग माई वीडियो. सो गर्ल्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइफ में ना आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आपको उसको सहन नहीं करना है. वी आर नॉट हियर टू टॉलरेट एनी नॉनसेंस, रिमेंबर दैट. ओके, आप पूछोगे गलत इन फॉर्म ऑफ वॉट, तो याद रखना कोई भी ऐसा ऐरा गैरा नथु गैरा आपको आकर वर्बली अब्यूज़ नहीं कर सकता. सेकंड, एनी काइंड ऑफ मेंटल टॉर्चर आप नहीं सहन करेंगे. थर्ड, एनी काइंड ऑफ फिजिकल अब्यूज़ आप नहीं लेंगे. और एनी काइंड ऑफ हरासमेंट, अगर आपको कोई हरास कर रहा है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. अगेन एंड अगेन मैं यही बोलूँगी कि आपको सुनकर कोई चीज़ नहीं लेनी है. यू डोंट हैव टू टॉलरेट दैट थिंग. ओके, सो गर्ल्स, आपके साथ ये सभी चीज़ें कहीं पर भी हो सकती हैं. मे बी इन द पब्लिक, और मे बी इन द स्कूल और कॉलेजेस, और मे बी इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग इन. ओके, सो ऑलवेज बी अलर्ट, एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो रिपोर्ट दैट इशू. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एट फर्स्ट यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड यू हैव टू बी बोल्ड, एंड सेकेंडली As I said, without hesitating, you have to report the issue at the right time and at the right place. Okay? याद रखना, अगर हम गलत को सहन करेंगे ना, तो वो जो पर्सन है जो कि आपके साथ गलत कर रहा है, उसकी हिम्मत बढ़ती है. ठीक है, अगर आप गलत को सहन कर रहे हो और आप वो चीज़ रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो वो बंदा, वो पर्सन और स्ट्रांग बनता है, और वो ये जो शेमफुल थिंग्स है या जो भी गलत हरकतें हैं वो कंटिन्यू करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है और मेरे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो वो ये चीज़ें रिपीटेड फैशन में करता रहेगा. सो गर्ल्स, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको आवाज़ उठानी है. ओके गर्ल्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट जो गलत है वो गलत है. ऑलवेज रेज योर वॉइस अगेंस्ट द रॉन्ग, एंड रिमेंबर दैट ऑलवेज स्टैंड बाय द ट्रूथ, नो मैटर दैट इफ़ यू आर स्टैंडिंग अलोन. देखो, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा. कोई अगर कोई भला इंसान होगा जो आपके लिए स्टैंड ले रहा है, वो एक अलग बात है. बट खुद मैंने देखा है, आपको खुद के लिए खड़े होकर बोलना पड़ेगा. ओके, यू हैव टू बी दैट मच स्ट्रांग, यू हैव टू बी दैट मच बोल्ड. ओके, और मुझे लगता है कुछ कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो चीज़ें गलत है उसको गर्ल सहन करती है और वो नहीं बोल पाती है. मेरे अकॉर्डिंग पहला रीज़न यही है कि हमको डर लगता है कि समाज में हमारी इज्जत खराब होगी. राइट, सो गर्ल्स, मैं आपको यही बोलूँगी, आपको समाज की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. देखिए, हम सही है, इसीलिए हमारी इज्जत बिल्कुल भी नहीं खराब हो सकती. हमारे साथ गलत हुआ है, तो जो बंदा गलत काम कर रहा है, जो गलत चीज़ कर रहा है, इज्जत उसकी खराब होगी, आपकी इज्जत कभी नहीं खराब होगी. सो स्ट्रांगली फेस करें और रिपोर्ट करें चीज़ों को. फर्स्ट चीज़ ये है. सो आपको स्ट्रांग रहना है और समाज की टेंशन नहीं करनी है कि समाज में हमारे नाम का क्या होगा, हमको लोग कैसे जज करेंगे. लोगों के जजमेंट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. बाकी मैं यही बोलूँगी, अगर आपने अपनी वॉइस उठाई तो लोग आपको प्रेज़ करेंगे कि हाँ चलो, ये बंदी इतनी स्ट्रांग तो थी कि इसने आवाज़ उठाई गलत के खिलाफ. अगर आप आवाज़ उठाएंगे आज, तो जो भी घटना जो आपके साथ हुई है वो रुक सकती है बाकी औरों के साथ होने से. तो है ना, आपको स्ट्रांग एक मूव लेना है, आपको वो चीज़ रोकनी है. ध्यान रखिए, ठीक है, इसीलिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है. सेकेंडली, हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे. देखिए, अगर लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे, तो लोग क्या कहेंगे यार, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है. चार लोग चार अलग अलग बातें बनाएंगे, उस चीज़ की आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो. और जो तीसरा रीज़न होता है, हमको ये होता है दैट फियर ऑफ फेसिंग दैट पर्सन अगेन. तो हमेशा याद रखना, आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमने कुछ गलत नहीं करा है, फर्स्ट थिंग, राइट. और आप हमेशा मेरी ये बात याद रखना, आप जिससे जितना डरोगे वो आपको उतना डराएगा. मार्क माई वर्ड्स गर्ल्स, ठीक है. तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको अलर्ट रहना है, आपको स्ट्रांग रहना है एट फर्स्ट, राइट.
और गर्ल्स आप अपनी आवाज़ उठाकर उस बंदे को इतना डरा दो कि वो दोबारा आपसे नज़रें मिलाने से डरे, समझ रहे हैं आप? उसकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आपसे दोबारा नज़रें मिला सके, और दोबारा किसी के साथ भी वो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा अगर हम वो इशू जो हमारे साथ हुआ है वो अगर हम सही टाइम पर रिपोर्ट कर दें उस पर्सन के खिलाफ। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, मैं क्या आपको कन्वे करना चाह रही हूँ, राइट? Now, a small message for all the parents who are watching my video. Earlier, we used to say that raise your boys to be strong, but now it's the time to raise your daughters to be strong, super, super duper strong. ताकि वो चीज़ों को बोल्डली फेस कर सके, वो गलत के खिलाफ खड़ी हो सके, वो बाकी लोगों के लिए वॉइस बन सके। इतना आपको सुपर स्ट्रांग अपनी डॉटर्स को बनाना है, राइट? And I proudly say that my parents have raised me so strong that today I can handle these types of issues myself. But when sometimes some issues are there which I cannot handle myself, then I always look up to my parents and they're always there for me. So yes, आपके parents हमेशा आपके साथ हैं, okay girls? So आप उनके साथ share करें and definitely they will going to support you, right? And I want to just say that you may say why all of a sudden Pratibha you have raised such an issue. I have raised such issue because I feel like talking on such sensitive topic is must nowadays, and I want to spread some awareness via my channel so that all the girls may become strong and may all the girls can get some message from my video. So I thought to make such type of a video today, and मैं नहीं बोलूँगी आज कि आप मेरी वीडियो को आगे शेयर करें या लाइक करें। मुझे पता है कि डेफिनेटली मेरे बिना बोले ही आप सभी के साथ ये मेरी वीडियो आगे शेयर करेंगे, एंड इट्स टोटली अप टू यू, ओके? एंड एट लास्ट आई जस्ट वांट टू कंक्लूड बाय सेइंग दैट गर्ल्स बी अलर्ट, बी स्ट्रांग एंड बी बोल्ड एंड जस्ट फाइट बैक, ओके? थैंक यू सो मच। दिस इज प्रतिभा शौर्य साइनिंग ऑफ। मिलूंगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।